हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोकल अट्रैक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी हेल्प से हम लोकल अट्रैक्शन जो होता है उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द फॉलोइंग बियरिंग वर टेकन वाइल ट्रेवर्सिंग विद ए कम्पास, जिसमें हमको ये बियरिंग दी है कि हमने एक ट्रेवर्स बनाया था 5 लाइनों का, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए का, जिसकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का हमें रीडिंग दी गई है, जो कि कंपास के थ्रू आई है। तो उसमें कह रहा है कि मेंशन विच स्टेशन वर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन एंड डिटरमाइन द करेक्ट बेयरिंग। तो हमें ये जो बेयरिंग दी गई है, यानी कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, उसमें से हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेशन तो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है और कौन सा नहीं है, और बताना है कि इनमें से जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है उनकी करेक्ट बेयरिंग क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए हम कहीं पे कंपास से सर्वे कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कंपास सर्वे जो होता है वो मैग्नेट के इफेक्ट में काम करता है। तो अगर कहीं पे मैग्नेट्स नहीं है, तो यानी कि वहाँ पे आसपास मैग्नेटिक एरिया नहीं है, तो उससे जो रीडिंग आएगी वो एकदम एक्यूरेट आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उपस्थित है, जिसके कारण वहाँ पर मैग्नेटिक एरिया उपस्थित होगा, जिससे उसकी जो नीडल्स है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिससे जो हम रीडिंग लेते हैं वो गलत आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जो हमने रीडिंग ली है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग, इनका अगर डिफरेंस जो है वो प्लस माइनस 180 डिग्री के बराबर है, तो वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होगा। और अगर इनका डिफरेंस 180 डिग्री से कम या फिर ज़्यादा आ रहा है, तो वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। यानी कि अगर हम कहीं पर सर्वे कर रहे हैं और हमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है उनका डिफरेंस 180 मिल रहा है प्लस में या फिर माइनस में, तो वो जो रीडिंग है वो एकदम सही है। अगर उनका डिफरेंस 180 से प्लस या माइनस कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंस उपस्थित है, यानी कि वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन उपस्थित है। ये होता है लोकल अट्रैक्शन। तो अब इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए इसको सोल्व इस प्रकार से करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे उतार लिया है, बस थोड़ी सी यहाँ पे वो लिया है कि किस में करेक्शन है और उसकी करेक्ट बेयरिंग क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमने बताया था कि जिस भी स्टेशन पर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 होगा, वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से एकदम फ्री होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें एक या फिर दो रीडिंग ऐसी मिलेगी फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग की, जिसकी रीडिंग जो है 180 है, यानी कि उनका डिफरेंस प्लस या माइनस 180 डिग्री के बराबर है। जिससे कि हम, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से स्टेशन में डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। तो हम सिंपली अगर देखें तो इसमें 180 डिग्री नहीं आएगा, इसमें भी 180 डिग्री नहीं आएगा, इसमें भी 180 डिग्री नहीं आएगा, इसमें आ सकता है और इसमें भी नहीं आएगा। तो इसको हम सिंपली कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 165 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 345 डिग्री 15 मिनट, तो इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आ रहा है 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। तो इसका मतलब ये वाला स्टेशन जो है वो एकदम लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो इसको हम इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लेने कि ये वाला जो स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री है। और जब भी ऐसा आपको कोई मिल जाता है जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है स्टेशन लाइन, तो उससे आगे वाली लाइन जो है उसकी बैक बियरिंग, तो जब भी आपको कोई स्टेशन मिल जाता है जिसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री हो प्लस या फिर माइनस में, तो वो लोकल अट्रैक्शन से एकदम फ्री होगा। तो ऐसे स्टेशन से आगे वाला जो स्टेशन है या फिर आगे वाली जो लाइन है उसकी फोर बियरिंग और पीछे वाला स्टेशन जो है या पीछे वाली लाइन जो है उसकी बैक बियरिंग भी एरर से फ्री होती है। यानी कि ये चार रीडिंग जो है वो एकदम एक्यूरेट होगी। यानी कि जिस भी स्टेशन या फिर जिस भी लाइन का डिफरेंस फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का 180 डिग्री के बराबर है, उससे आगे वाले लाइन की फोर बियरिंग और पीछे वाले लाइन की बैक बियरिंग भी लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। यानी कि करेक्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर सिंपली देख लेंगे ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो इसकी फोर बियरिंग में भी करेक्शन 0 डिग्री का आएगा और 0 मिनट का आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी 0 डिग्री का आएगा। इसी प्रकार से इससे आगे वाली लाइन जो है यानी कि ई ए, उसकी जो फोर बियरिंग है उसमें करेक्शन भी 0 डिग्री का आएगा, और उसी प्रकार से इससे पीछे वाली लाइन जो है सी डी, उसकी जो बैक बियरिंग है उसमें भी करेक्शन कितने का आएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से आपको चार जो लाइन है उनकी फोर बियरिंग बियरिंग का आराम से डिफरेंस पता लग जाएगा। अब आपको पता है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 है और इसके साथ ही ये वाली रीडिंग भी एकदम करेक्ट है। तो इसमें से अगर हम 180 डिग्री घटाएंगे, यानी कि 259 डिग्री 30 मिनट में से हम माइनस 180 डिग्री घटाएंगे, क्योंकि ये वाले स्टेशन की रीडिंग एकदम सही है, तो वैल्यू अपनी आएगी 79 डिग्री 30 मिनट। और अपने पास बैक बेयरिंग की रीडिंग कितनी आ रही है, 79 डिग्री, यानी कि इसमें करेक्शन कितने का है, प्लस। तो यहाँ पे हम करेक्शन लिख देंगे प्लस में 0 डिग्री 30 मिनट। तो ये इसमें करेक्शन आ गया इसकी बैक बेयरिंग में, डायगोनल में चलती है, यानी कि यहाँ पे जो एरर आया है, अब यहाँ का एरर कहाँ पे जाएगा, आगे की तरफ, तो यहाँ पे एरर कितना जाएगा, प्लस में 0 डिग्री 30 मिनट, यानी कि जो भी करेक्शन आएगा वो डायगोनल में चलेगा। अब ये वाले रीडिंग में यानी कि 48 डिग्री और 25 मिनट,
इसमें एरर कितने का था? 48 डिग्री 25 मिनट। इसमें एरर कितने का था? प्लस में 0 डिग्री 30 मिनट का। ये अपनी करेक्ट रीडिंग है फोर बियरिंग की। अब इसमें से हम जब 180 डिग्री जोड़ेंगे प्लस में 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 228 डिग्री 55 मिनट। और अपने पास रीडिंग कितनी आ रही है? 230 डिग्री। तो अपना एरर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -230 डिग्री। तो अपना एरर हो गया 1 डिग्री 5 मिनट का। किस में आ रहा है? माइनस में। तो यहाँ पे बैक बियरिंग में एरर कितना हो गया? माइनस का 1 डिग्री 5 मिनट। अब ये वाला एरर कहाँ पे शिफ्ट होएगा? डायगोनल में, यानी कि यहाँ पे जो एरर आया है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। डायगोनल जब भी एरर आता है वो डायगोनल में शिफ्ट होता है नेक्स्ट स्टेशन पे। तो माइनस का 1 डिग्री 5 मिनट। तो जैसे ही हम इसमें ये रीडिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 177 डिग्री 45 मिनट में जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिग्री 5 मिनट, तो ये वाली रीडिंग जो आ गई ये एकदम एक्यूरेट है। अब इसमें हम जैसे ही 180 डिग्री जोड़ेंगे, 180 डिग्री, तो ये अपनी बैक बियरिंग जो है ये इसकी एक्यूरेट रीडिंग है। जबकि अपने आ कितने रहा है? 356 डिग्री। तो इसमें से जब माइनस करेंगे -356 डिग्री, तो ये इसका एरर बता रहा है। इसमें एरर कितने का है? प्लस में 40 डिग्री का, 0 डिग्री 40 मिनट का इसमें एरर है बैक बियरिंग में। अब ये शिफ्ट कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो जैसे ही हम इसमें शिफ्ट करेंगे इसको 0 डिग्री 40 मिनट, तो हम अब उसका चेक भी हो जाएगा कैसे कि वन, इसको हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, प्लस 104 डिग्री 15 मिनट। तो ये कितना हो गया? 104 डिग्री 55 मिनट, ये इसका एरर है। अब इसमें हम अगर 180 डिग्री जोड़ेंगे, 180 डिग्री, तो 284 डिग्री 55 मिनट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 284 डिग्री 55 मिनट, यानी कि यहाँ पे करेक्शन कितना है? 0 डिग्री का है। तो ये हमारा क्वेश्चन साथ साथ चेक भी हो सकता है, जिससे हमें पता लग जाए कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या फिर नहीं है। तो इनके करेक्शन आ गए। अब सिंपली हमको क्या करना है, जिस भी रीडिंग में करेक्शन दिए हुए हैं उनमें प्लस या फिर माइनस करके हमें करेक्ट फोर बियरिंग और करेक्ट बैक बियरिंग निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर फोर बियरिंग में करेक्शन कितने का है? प्लस में 30 डिग्री का। तो हम सिंपली ऐड करेंगे 48 डिग्री, सिंपली हम ऐड करेंगे 48 डिग्री 25 मिनट प्लस में 0 डिग्री 30 मिनट। तो हमारे पास करेक्ट कितना आ गया? 48 डिग्री 55 मिनट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48 डिग्री 55 मिनट। इसी प्रकार से बैक बियरिंग में जो करेक्शन आया वो कितने का है? 1 डिग्री 5 मिनट का। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो अपने पास करेक्ट बैक बियरिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी 228 डिग्री 55 मिनट। इसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन जो है बी सी, उसकी जो फोर बियरिंग है उसमें डिफरेंस, उसमें जो करेक्शन आ रहा है वो आ रहा है -1 डिग्री 5 मिनट का। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास करेक्ट रीडिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी 176 डिग्री 40 मिनट। उसी प्रकार से बैक बियरिंग में जब हम जोड़ेंगे करेक्शन को 40 सेकंड का, तो वो 40 मिनट का, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 356 डिग्री 40 मिनट। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेशन सी डी, उसकी फोर बियरिंग में जब हम जोड़ेंगे करेक्शन 40 डिग्री, तो करेक्ट फोर बियरिंग कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 104 डिग्री 55 मिनट। उसी प्रकार से बैक बियरिंग में करेक्शन कितने का रहा है? 0 का। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सेम रीडिंग आएगी 284 डिग्री 55 मिनट। नेक्स्ट लाइन की बात करें डी ई की, तो उसमें करेक्शन है नहीं, तो सेम रीडिंग आ जाएगी 165 डिग्री 15 मिनट और 345 डिग्री 15 मिनट। इसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इसमें फोर बियरिंग में करेक्शन है 0, तो ये सेम रीडिंग आ जाएंगे 259 डिग्री 30 मिनट। और इसमें करेक्शन है 30 मिनट का, तो ये रीडिंग हो जाएगी 79 प्लस में 30 मिनट, यानी कि 79 डिग्री 30 मिनट। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन जो है या फिर किसी भी जो हमने रीडिंग ली गई है उसका लोकल अट्रैक्शन निकाल सकते हैं, उसमें कितना करेक्शन होगा उसकी फोर बियरिंग बैक बियरिंग में, और करेक्ट फोर बियरिंग और करेक्ट बैक बियरिंग कितनी आएगी ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।